हाय दोस्तों, मैं इंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक ब्लॉग से जिसका नाम है धीरज के ब्लॉग्स, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले उसके हम सभी वीडियो या एक्टिविटीज दिखाएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चलते हैं। जाने के बाद मैं आपको सर्च कर लेना धीरज के ब्लॉग। तो यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है ना ऊपर की तरफ है, जो मेरी मदद कीजिए, तो आप इसके चले जाएँ। और उसके यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर चैनल डिलीट, क्या झोपड़ी वाला सपना नहीं देख सकता, तो यहाँ पे आप ओके करेंगे। तो मैंने इसका ऑलरेडी जो वॉइस है मैंने बंद किया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे इसने बहुत सारे मेंशन किए हुए हैं चैनल जिनसे इन्होंने हेल्प मांगी, जैसे @3RDIS मनोज दे और टेस्ट चैम्पियन सपोर्ट, कुछ इस तरीके से मांगा हुआ है। तो हम इनकी बात ना करते हुए हम इनकी बात कर रहे हैं कि इसका जो ब्लॉग है, कम्युनिटी गाइडलाइन में चलते हैं और ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए भाई लोगों, आज मेरी पोस्ट वायरल वीडियो किसी ने प्राइवेसी रिपोर्ट की है। भाई मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैं तो वही दिखा रहा हूँ जो मैं हूँ। बड़ी मुश्किल मैं अपने आप को संभाला है, प्लीज़ ऐसा मत करो। सो ये अच्छी बात नहीं है कि आप लोग अगर अगर उसकी वीडियो पसंद नहीं है तो मैं कहता हूँ कि आप वीडियो मत देखें यार, ठीक है। स्क्रॉल करते हैं, सब्सक्राइब ना करें तो उनको सब्सक्राइब करते, अगर पसंद नहीं है जिसकी वीडियो पर आप ऐसा रिपोर्ट वगैरह मारते हो ये तो गलत बात है ना। सामने वाले पर्सन ने कितनी मेहनत की, यहाँ पे देखिए उसने बोला था कि दोस्तों सॉरी आज मैं आपको कमेंट की रिप्लाई नहीं, मतलब बहुत अच्छा पर्सन है और ये झूठ नहीं है जो उसके पास सब्सक्राइबर थे, ये ओरिजिनल थे, ठीक है। सो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा उसके साथ ना करें। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करें, अगर आप उसको वीडियो नहीं देखना चाहते तो ना देखें, पर उसके साथ गलत ना करें। सो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, अगर धीरज के ब्लॉग को देखते हैं अच्छी बात है, जो नहीं देखते ना देखें, पर ऐसे प्राइवेसी वगैरह रिपोर्ट ना मारें और स्ट्राइक वगैरह ना दे दें, मतलब कि उसका चैनल है जो डिलीट हो, दोबारा से उसको मुसीबत में ना डालें। तो आई होप धीरज के मेरे भाई, हम तो आपके साथ ही हैं। सो अगर आपके पास ये वीडियो पहुँचती है तो आप इसको ज़रूर देखें और जितने मेरे फ्रेंड हैं सभी शेयर करें, हो सकता है धीरज के पास चली जाए वीडियो। तो मेरा जो मोटिवेट यही है कि आप सभी के लिए एक मैसेज है कि आप अगर सही तरीके से काम कर रहे हो ब्लॉग्स में तो आपको किसी की तरीके की कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। और रही बात जो रिपोर्ट वगैरह मारते हैं, तो भाई लोगों आप ऐसा ना किया करें, अगर सामने वाला कुछ कर रहा है तो आप उसको करने दें, अगर आप नहीं कर पाते तो ऐसी कहते हैं ना ईर्ष्या ना करें, तो आप भी करो ना, आप लोगों को कोई रोकता थोड़ी, आपके पास भी फ़ोन है, आपके पास टाइम है, सब चीज़ें, तो यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप भी प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ करो, ऐसा थोड़ी होता है आप किसी के साथ गलत करो। ये तो सब चीज़ें गलत है। तो उसने जो ब्लॉग्स डाले हैं बहुत अच्छे ब्लॉग हैं, मैंने सभी देखे हैं और मैंने कमेंट भी किया हुआ है, और इस बंदे ने भी काफ़ी मेहनत की है। 10 अगस्त को इसने जो पहला ब्लॉग्स डाला था और इसके जो व्यूवर हैं प्रेजेंट में 8,85,208 हैं और इसको कम्युनिटी गाइडलाइन भी मिल चुकी है। और काफ़ी इसने देखे, जो संदीप भाई हैं उनको लगभग सभी लोग जानते हैं और वो जोश जो चैनल है उसके ऊपर भी उसका वीडियो आया हुआ है, काफ़ी अच्छे पर्सन, उन्होंने भी यही कहा है कि आप धीरज के साथ ऐसा ना करें। और उसने बहुत सारे प्यार प्यार ब्लॉग डाले हैं अपने, मतलब फैमिली के साथ डाला है, काफ़ी उसकी फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है, पूरी फैमिली है और छोटा सा परिवार है, मुझे लगता है काफ़ी मतलब खुश हैं, और आप उसको खुश रहने दें। और आप सभी का धन्यवाद, और मुझे भी सपोर्ट करें और आगे लेके चलें। मेरा चैनल है, जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे भी आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन से मिलेगा। और जो मेरे वीडियो हैं अगर टेस्ट से संबंधित होते, सारे मैं टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।